बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और आई एम ए सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे ओपनिंग द बैंक अकाउंट इन बेलारूस, कि अगर आप बेलारूस में अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या बेलारूस का बैंकिंग सिस्टम क्या है। बेलारूस के अंदर भी पाकिस्तान की तरह काफ़ी बैंक जो है वो वर्किंग में हैं, उसमें बेलारूस बैंक है और इसके अलावा जो है दूसरे टेक्नो बैंक है, अल्फ़ा बैंक है, तो सारे काफ़ी एमटी बैंक है, ये सारे बैंक जो है वो इधर वर्किंग में हैं। दो तरह के अकाउंट हैं, एक है आपका पर्सनल अकाउंट और एक है आपका लीगल एंटिटी का अकाउंट। अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, अगर आप अपना लीगल एंटिटी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। लीगल एंटिटी मीन अपनी कंपनी का अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए होगा आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन, और बाकी आप बैंक में जाएंगे तो ऑलमोस्ट वो स्टाफ जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और वो आपको सारा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। आप उनको ट्रांसलेटर पे अपनी बात समझाएं तो वो समझ जाते हैं, और बास बैंक्स में जो है वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ भी मिल जाता है। तो आप बैंक में अपना ये वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी है यहाँ पर। तो अगर आपकी कंपनी नहीं है, आप अपना ज़ाती अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो जस्ट आपको पासपोर्ट चाहिए होगा और पासपोर्ट की ट्रांसलेटेड नोटरी कॉपी इनको चाहिए होगी रशियन लैंग्वेज में, तो ये आपके अकाउंट में अकाउंट ओपन करेंगे। और प्लस आपको ये प्रूफ भी देना होगा कि जो पेमेंट आप मंगवा रहे हैं वो ब्लैक मनी तो नहीं है, मीन के वो पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आए तो वो वहाँ के बैंक से जो है वो ट्रांसफ़र होके आनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के बेलारूस का बैंकिंग सिस्टम का। इनके बैंकिंग सिस्टम में ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि हमें एक रसीद मिल जाती है, ठीक है, लेकिन वो रसीद के ऊपर ही स्टैंप लगा के दे देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग रसीद अपनी जनरेट करते हैं। ये एक अच्छी बात भी लगी मुझे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे और इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपके लिए एक जो न्यू रसीद है वो जनरेट करेंगे और वो आपके हैंडओवर कर देंगे। तो ये जनाब आज बैंक में आया था बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो मैंने सोचा कि जाते जाते आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी मैं पहुँच आया हूँ अपना मेट्रो स्टॉप के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में आना चाह पाकिस्तान से बेलारूस में आना चाहता है बिज़नेस वीज़ा के ऊपर और यहाँ पे आके अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है, या कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी यहाँ पे बेलारूस के हवाले से, तो आपका भाई जनाब 24/7 आपकी खिदमत के लिए हाज़र है। और नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।